सारे प्यार भरी सत श्रीकाल। मैं मनजीत कौर स्वागत कर दी हूँ सारे पंजाबी कुकिंग चैनल दे विच। आज आपां अंब दा सुक्का अचार बना के तैयार करांगे। तो यह अचार जिहड़ा आ एक बार आपां पा लईए तो साल भर तक इहनूं स्टोर करके रख सकदे हां, अचार ही खराब नहीं हुंदा। इहदे वास्ते मैं किलो अंब लए आ। अंबां नूं पाणी दे विच चंगी तरह धो के उहनां नूं सुका लिया आ, जां कपड़े दे नाल वी तुसीं साफ कर सकदे हो। हुण उहनां नूं असीं चीर के तैयार कर लैणा। अंब दे उपरला जिहड़ा इह जिहड़ा हिस्सा हुंदा आ इहनूं आपां ला दे, जे किते लगे कि माड़ा मोटा अंब थोड़ा जिहा दागी आ ते उहदा जिहड़ा छिलका आ उपर उतार लैणा। जिहड़ा सुक्का अचार आपां अंब दा बणाउंदे आ, इह जिहड़ा इहदियां फाड़ियां हुंदियां आ इहदा लंबाई दे विच कट्टियां हुंदियां आ। अंब जिहड़ा आ बिलकुल कच्चा लैणा आ, मतलब देख के पक्किया नहीं होना चाहीदा अंब। इहदा आपां इहनूं लंबे टुकड़िआं दे विच कट लैणा आ। जिहड़ा देखो अंब दा अचार तुसीं स्टोर करके रखना आ, वह अंब जिहड़ा आ जालीदार होना चाहिए आ, फिर अंब छेती खराब नहीं हुंदा। जिदा शुरू शुरू दे विच जदों अंब आउंदा आ, अंब दा सीजन चलदा आ, उदों अंब जिहड़ा कच्चा हुंदा, उहदी गिटक अंदरों कच्ची हुंदी आ। गिटक देखो जिहड़ी आ, आ देखो ये पक्की आ, एकदम पक्की हुई गिटक आ। इदां दी गिटक जे होगी अंब दी तां अंब तुसीं स्टोर कर सकदे हो। उहदा अंब दा अचार फाड़ी बाकी तुसीं जिन्नी क मोटी रखनी चाहो उहदे हिसाब नाल रख सकते हो। अंब जिहड़े हो गए चीर के तैयार कर लिया असी। हुण इहदे विच असीं लूण ते हल्दी उह पाउणे आ। दो चमचे भर के असी इहदे विच लूण दे पाउणे आ ते एक चमचा भर के पाउणा आ हल्दी दा। हुण इहनूं असीं हत्थ दे नाल चंगी तरह मलना आ कि जिहड़े हल्दी आ ਉਹ ਇਹਦੇ ਛਿਲ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखो हल्दी ते लून जिहड़ा इदां फाड़ियां दे उत्ते इदां चंगी तरह लगना लग गया है। इदां ही तुसीं इहनां नूं चंगी तरह ला लैणा है। ते हुण इहनूं असीं इत्थे पूरे 24 घंटे वास्ते पए रहणा है, क्योंकि अंब दे विच्चों जिन्ना भी इहदे 'च पाणी होगा उह सारा जिहड़ा निकल जूगा। जदों आपां किसे वी चीज़ नूं लून दे नाल इदां मिलाउंदे हां ते उह चीज़ जिहड़ा हुंदी उहनूं छेती उह खराब नहीं हुंदी, काफ़ी लंबे समें तक असीं उहनूं रख सकदे हां। इहनूं ढक के आपां इहनूं छड्ड देणा आ पूरी रात, दूजे दिन फिर मैं तुहानूं दिखाऊंगा। अंबां दे विच्चों देखो पाणी जिहड़ा आ अंबां बिलकुल चंगी तरहां निकल गया आ। देखो तुसीं देख सकदे हो किन्ना पाणी जिहड़ा आ अंब दे विच्चों निकलिया आ। बस जदों इहनां नूं आपां लूण ते हल्दी ला के रखणा आ ते 3-4 घंटे बाद इहदा इक इहदा तुसीं बणाउंदे रहिणा आ। मैं इहनां नूं वार वार इहदा हिलाता सी विच्चों 3-4 वारी। ते हुण असीं एक छाननी लैनी है, छाननी दे विच जिहड़े इह अंब आ उह कट्टणे आ ताकि जिन्ना वी इहदा पाणी आ फिर जिहड़ा आ थले चल जूगा ते आपां नूं अंब जिहड़े आ अलग हो जूगे पाणी तों। पाणी देखो इह जिहड़ा पाणी आ इह आपां साइड ते कर देणा आ। हुण इहदा छाननी दे विच असीं अंब रखे आ, इहनूं दे विच्चों जिन्ना पाणी कोई वी निकलिया हुण
चाहे तो तुसी कपड़ा ले लो, कोई कपड़े दे उत्ते तुसी उन्नू पा सकते हो, खिलार सकते हो, ते जां इहदा थाल दे विच मैं इहनू कपड़े दे विच पा के इहनू आपां 2 दिन लई धुप दे विच रखना आ। ते धुप दे विच देखो जदों आपां अंब सुकाउणे आ, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंब जिहड़े आ बहुत ज़्यादा सुकने नहीं चाहिए, एकदम कड़क नहीं होने चाहिए, थोड़ा जिहा नरम बन जिहड़ा सानू अंबां दे विच चाहिए आ। ते हुण इहनां नू आपां लवावांगे धुप, धुप लवाउण तों बाद फिर मैं तुहानू जिहड़ा इहदा अचार पा के दिखाऊंगी। अंब देखो जिहड़ा साडा सुक के तैयार आ, इहनू देखो तो मैं तुहानू कहा सी कि 2 दिन की आपां धुप लवानी आ, पर 1 दिन की धुप दे विच ही चंगी तरह सुक गया आ। अंब देखो इहदा सुक मतलब थोड़ा नरम होना चाहिए, मतलब ऐदा नहीं है कि आप सुखा लिया इनू तो बिल्कुल ही ये आकर जाए, थोड़ा नरम पान जिहड़ा आ अंब दे विच होना चाहिए है। पर तुसी किसी भी इहदा पीस नू इहदा दब के देखोगे तो पानी जिहड़ा आ अंब दे विच नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का तुसी ध्यान रखना है। बाकी इहदे लई देखो जिहड़े आप मसाले लए आ, 2 चमचे जिहड़े धनिया लिया है, 2.5 चमचे सौंफ आ, 2 चमचे जिहड़ी आ पीली सरों लई आ। ये जिहड़े मसाले आ देखो जिहड़ा चमचा आ मैं इस चमचे दे नाल इहनू नापिया आ, बाकी तुसी जिहड़ा भी इहदा तुहाडे कोल चमचा होवे तुसी उहदे नाल इहनां नू नाप सकदे हो। ये जिहड़े 3 मसाले ने असीं थोड़ा जिहा असीं भुन्नांगे, भुन्न के फिर असीं इहनां नू दरदरा पीस लैणा आ। 1 चमचा कलौंजी दा, 1 चमचा जिहड़ी काली मिर्च आ, 2 चमचे मेथे आ, इहनां नू असीं पीसना नहीं हैगा, इहनां नू असीं इहदा साब ते पाउणा आ। 1/2 कौली तो भी घट असी जिहड़ा सरों का तेल लिया है, तो 1/2 कौली तो ही घट जिहड़ा है थोड़ा जिहा 1/4 चौथा हिस्सा आप सिरका लिया है, लाल मिर्च पावे, हल्दी तो लून जिहड़ा है स्वाद के हिसाब नाल पावे। पहला जिहड़े साडे मसाले है इन्हां नू असी थोड़ा भुन के तैयार कर लेना है। पहला असी सौंफ ते जिहड़ा धनिया है इन्हू हल्का जिहा भुन लेना है, ज़्यादा नहीं भुनना, सिर्फ आपां 1 मिनट लई मीडियम फ्लेम ते भुनना है। सौंफ ते जिहड़ा सुक्का धनिया भुन के तैयार, पील सरों जिहड़ी आ ओह असीं पा लैणी ते गैस बंद कर देणी। जिहड़ी अपनी आ फ्राई पैन आ इह गरम आ, इहदी गरमैश दे नाल ही सरों जिहड़ी आ भुन हो जाणी आ, ते चाहे तुसीं इहनां नूं भुन लो ते चाहे तुसीं इहनां नूं थोड़ी जिही धुप लवा लो, धुप लवा के पीस सकदे हो। थोड़ा जिहा आपां इहनूं ठंडा कर लैणा है, ठंडा करके इहनूं असीं पीस लवांगे, चाहे कुंडे च पा के तुसी पीस लो ते चाहे मिक्सी दे विच पा के पीस लो, पर पीसना इहनू बहुत ज़्यादा बरीक नहीं, थोड़ा इहनू दरदरा रखना है। मसाले देखो जिहड़े आ आपां इहदा थोड़े दरदरे इहदा पीस ले आ, ते हुण असीं जिहड़ा इहदा कोई भी खुल्ला भांडा लै लैणा है, इहदे विच पहलां जिहड़ा तेल आ सरों दा ओह पा देणा आ। सरों दा तेल जिहड़ा असीं पहलां इस लई पाउण लगे हां क्योंकि जिहड़े असीं मसाले पाउणे आ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗੇ। ਅੰਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ। सारे मसाले देखो अंब दे उत्ते चंगी तरह इहदा लग गए। मसालियां नूं मिला के हुण असीं इहदे विच पावांगे 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। देखो कश्मीरी लाल मिर्च जिहड़ी आ ओह कौड़ी नहीं हुंदी, ओह सिर्फ आपां रंग वास्ते पाई आ। 1 वड्डा चमचा ही जिहड़ा आपां लाल मिर्च दा पावांगे। हल्दी जिहड़ी असीं पहलां वी अचार दे विच पाई हुई सी, इस करके हल्दी जिहड़ी आ 1/2 चमचा असीं पाउणा आ हल्दी दा। ते हुण असीं देखो जिहड़ा लूण पाउणा आ, अचार दे विच हमेशा जिहड़ा लूण आ ओह ज़्यादा पैंदा आ। जे असीं 5 किलो अचार दे विच लूण पाउणा होवे तां असीं 1 किलो जिहड़ा आ लूण पाउंदे आ, बाकी जे असीं किलो दे हिसाब नाल चलीए तां 60-62 ग्राम जिहड़ा आ लूण पै जांदा आ। ते आपां अंदाजे दे नाल ही इहदे विच हुण जिहड़े 4 चमचे लूण दे आ पा देणे आ, क्योंकि लूण ज़्यादा होगा अचार दे विच फिर अचार जिहड़ा साडा खराब नहीं हुंदा।
हूँ असी सारे मसाले जिहड़े आ चंगी तरह फिर मिला लेने आ। तेल पाण दे नाल जिन्ने भी सुके मसाले सी जिहड़े आपां पहलां साबत मसाले पाए आ सारे जिहड़े आ अंब दे उत्ते चंगी तरह लग गए आ। जिहड़ा सिरका आ उह असी हले नहीं पाउणा, उह बाद विच पावांगे आपां इहनूं। इहनूं हुण आपां इदां किसे जाणे तां इहदे विच ही असी खुल्ले भांडे 'च रहिण दईए, इहनूं ढक के 3-4 दिन जिहड़ी आ धुप्प लवाउणी आ, ते उस तों बाद जे जां किसे डब्बे दे विच पाउणा चाहो तां तुसीं डब्बे दे विच वी पा सकदे हो। मैनूं हुण इदां ही ढक दूंगी, ढक के इहनूं 2-3 दिन जां 3-4 दिन आपां धुप्प लवावांगे। धुप्प लवाउण तों बाद फिर मैं तुहानूं इह दिखाऊंगी अचार। 5 दिन देखो धुप्प जिहड़ी आपां अचार नूं लवा ली है, ते अचार जिहड़ा है आपां दिन दे विच 2-3 वारी इहनूं मैं इदां हिला लैंदी सी चमचे दे नाल, अचार साडा बण के तैयार आ। बाकी देखो 3-4 दिन जां 4-5 दिन भी धुप्प लवाउण तों बाद तुहानूं लगे कि हले भी अचार दे विच कसर आ, थोड़ा जिहा उहदे च कच्चापन है, तां तुसीं उहनूं होर अपने हिसाब दे नाल धुप्प जिहड़ी आ लवा सकदे हो। हुण जिहड़ा आपां सिरका लिया सी, सिरका असीं इहदे विच पा देणा है। सिरका देखो जिहड़ा आ इह साडे अचार नूं खराब होण तों रोकूगा, इहदे नाल की आ कि अचार जिहड़ा साडा छेती खराब नहीं होगा, क्योंकि असीं इहदे विच तेल जिहड़ा आ घट इस्तेमाल करदे पए आ। फिर इहनूं मिला के हुण इहनूं आपां इक डब्बे दे विच पा लैणा है। अचार नूं पाउण दे लई देखो मैं कच्च दा इहदा डब्बा लिया आ, कोशिश इही करनी आ कि तुसीं कच्च दे बर्तमान होवे जां कच्च दा डब्बा होवे उहदे विच ही अचार जिहड़ा आ तुसीं पाउणा आ। गर्म पानी नाल इहनूं चंगी तरह धो के इहनूं धुप्प दे विच रख के सुका लैणा आ। पानी जिहड़ा आ बिल्कुल नहीं इह डब्बे दे विच होणा चाहीदा, इहदे 'च असीं थोड़ा जिहा तेल जिहड़ा आ पाउणा आ, 2-3 चमचे तेल पा लैणा आ। तेल पा के सारे डब्बे दे उत्ते इदां ला लैणा आ असीं। एक तेल दी जिहड़ी लेयर आ डब्बे दे विच बन जूगी। हुण आपां अपना अचार इहदे विच पावांगे डब्बे दे विच। अंब का सुक्का अचार देखो जिहड़ा साडा बन के तैयार है। इहदा जिहड़ा ढक्कण है आपां इहदा बंद कर लेना है। तुसीं चाहो तां इहनूं होर धुप्प लवा सकदे हो, जां इदां ही अचार जिहड़ा है तुहाडा खाण वास्ते तैयार आ। देखो अचार जिहड़े आ कदी भी खराब नहीं हुंदे, बस उहनां दा थोड़ा जिहा ध्यान रखना पैंदा है। गिले हत्थ जिहड़े आ कदी भी अचार नूं ना लाओ, चमचे नाल अचार कढ़णा आ, चमचा जिहड़ा गिला नहीं होणा चाहीदा, आटे वाले हत्थ जिहड़े अचार नूं नहीं लगणे चाहीदे। अचार दा ध्यान रखो, अचार चाहे तुसीं साल 2 साल जदों तक मर्जी अचार नूं रखी छड्डो, अचार जिहड़े आ तुहाडे वधिया सही तरीके नाल रहिंदे आ, कोई खराब नहीं हुंदे। इसे तरीके दे नाल तुसीं इह अंब दा अचार बणायो। वीडियो नूं लाइक ते शेयर प्लीज़ जरूर करिया करो, चैनल नूं सपोर्ट करो। वीडियो देखने लई बहुत बहुत धन्यवाद।